हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल कैसे हो आप सब मैं बढ़िया हूँ एंड होप करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे सो so, जो मेरी जर्नी वाले ब्लॉग थे वो सारे तो ख़त्म हो गए भाई तो अब आ गई हूँ मैं वापस से रूटीन ब्लॉग में तो एक दो बार मैं बीच में मार्केट गई हूँ तो पहले तो मैंने शूट नहीं किया था तो बट अभी मैं फिर से गई थी सो so ये मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है मैं गई थी एक शॉप पे थोड़ा सा डेकोरेशन के पर्पज से कुछ सामान लेना था माई में छोटा सा कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है बहुत जल्दी तो जब मैं जाऊंगी तो वहाँ के ब्लॉग भी आप लोग को देखने को मिलेंगे और वहाँ के ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं रियल मैं रहती हूँ मतलब मैं जैसे वहाँ का रहन सहन थोड़ा अलग हो जाता है ना माई जाके तो वहाँ से फिर उस शॉप से जहाँ पे मैं थी ना वो अंधेर देव में है उसके बाद हम गंजीपुरा में एक शॉप में जाना था तो वहाँ से होते हुए हम निकल के आ गए हैं तो मुझे बहुत टाइम से खाने थे भाई शाम वाले के समोसे तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद और यहीं से मुझे ये लटकन वगैरह लेनी थी भाभी के लहंगे के लिए क्योंकि अभी जब लास्ट टाइम में आई थी ना तो एक मैंने लहंगा परचेज़ हम लोग ने मतलब माँ आई थी तो लहंगा परचेज़ किया था तो बस उसके बाद हम आ गए हैं समोसे वमो से खा के शूज़ लेने के लिए और हम के स्कूल वाले जो शूज़ हैं वो थोड़े से टाइट हो गए हैं तो हमने सोचा चेंज कर देते हैं फिर हम आए एक ज्वेलरी की शॉप पे जो कि है वर्धमान ज्वेलर्स करके तो ये हमारी पहचान की भी है थोड़ी सी रिश्तेदारी वगैरह भी अभी निकल आई है तो मम्मी का जो ईयर है ना उसका पैच जो है गिर गया था तो वही हम लेने आए थे अभी मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ सुबह सुबह का मौसम आपको दिखा रही थी बहुत ही ज़्यादा ठंडक सी थी और स्वेटर वेटर पहन ली मैंने और मंदिर गई थी मैं तो मंदिर के लिए मैं ना मैंने ना एक अलग से स्वेटर बनाई हुई है तो वही मैं पहन के जाती हूँ और आ चेंज कर लेती हूँ तो उसके बाद आ गई हूँ किचन में तो चलो भाई रूटीन ब्लॉग तो ना अब से अफ चालू हो तो ना अभी का सुबह का जो सारा काम है मतलब हो गया है खाना वगैरह बन गया अब साइड में देखोगे बर्तन रखे हुए हैं अभी मैंने खाना नहीं खाया है बाकी सब का हो गया है तो मम्मी थोड़े से बर्तन है वो वॉश कर रही हैं और क्योंकि अभी पूरे खाली नहीं हुए हैं तो दूध हम लोग ने छान लिया है तो एक साइड पर दूध रख दिया है प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है तो मुझे शाम को जो है बनाना है पनीर की सब्ज़ी तो मैं क्या कर रही हूँ अभी ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है तो दिन ना बहुत जल्दी निकल जाता है लाइक like... अरहम आता है एक बजे और उसके बाद दो बजे तक वो उससे फ्री हो पाते हैं खाना वाना खिला के सब कुछ उसको रेडी वेडी करके और उसके बाद फिर ऊपर आते हैं तो थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया थोड़ा बहुत लेटे और कुछ काम हुआ तो वो किया और बहुत जल्दी ना शाम हो जाती है और बहुत जल्दी रात भी हो जाती है अधेरा हो जाता है मतलब तो फिर खाना ना ज़्यादा लेट हो जाता है तो जैसे ग्रेवी वगैरह वाली सब्जियाँ बनानी हो तो फिर उनमें टाइम भी बहुत लगता है तो मैंने क्या किया ना सुबह से ना ये थोड़ा सा तैयारी करके रख ली क्योंकि ना पनीर की सब्ज़ी में मैंने क्या किया है? इस तरीके से रफ़ली चॉप कर ली प्याज को और टमाटर और उसमें जो लहसुन वगैरह डालनी थी वो तो उसे मैंने ना उसको क्या करना पड़ता है थोड़ा सा पहले फ्राई कर लो उसके बाद फिर उसको ठंडा कर लो और हाफ कुक जब हो जाएंगे उसके बाद उसको ग्राइंड करना होता है तो वो ठंडा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैंने सोचा अभी मैं इतना करके रख देती हूँ तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था उसमें कुछ लहसुन की कलिया डाल हैं रफली चॉप करके प्याज डाल दी है और टमाटर को भी चॉप कर लिया इसी रफली मोटा मोटा चॉप किया है और इसे मैं इसी में डाल दूंगी और ये कुक होता रहेगा थोड़ा सा वहीं पे मैं खाना खा लेकिन ना ये वीडियो एडिट करते टाइम मुझे समझ आया कि मैंने भी बहुत मिस किया यार ये सब कुछ लाइक वीडियो बनाना पूरे दिन शूट करना एडिट करना तो मुझे ना आज एडिट करने में थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है और बस अच्छा लग रहा है और जो खुशखबरी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी ना मैंने बहुत टाइम पहले बताया था मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी अभी तो बहुत सारी बातें मुझे करनी है ठीक है तो अभी मैं आपको शाम को मिल रही हूँ ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था मैंने खाना वाना खा लिया था सब काम हो गए थे उसके शाम को मैंने सोचा अब सब्ज़ी जल्दी से बना लेते हैं तो ये जो हमने हाफ कुक करके रखा हुआ था प्याज वग़ैरह की जो ग्रेवी कह लो इसको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है और इसे हमें अच्छे से ग्राइंड करना है तो इसमें लहसुन है प्याज है और टमाटर है तो इसमें मैं थोड़ी सी काजू डालूंगी तो बस उससे बहुत अच्छी थिकनेस आ जाती है अच्छी ग्रेवी बनती तो काजू या मूंगफली आप डाल सकते हो तो मैंने यहाँ पे काजू डाला और मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया एंड आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई है और सीरियसली गाइस सबको बहुत अच्छी लगी थी इस बार सब्ज़ी शशांक ने भी बोला था थोड़ी सी टेस्ट की थी और उन्होंने भी बोला और पापा ने रात में खाना खाया था जब मैं चली गई थी अपने रूम में तो मम्मी ने बताया पापा को भी बहुत अच्छी लगी उन्होंने कहा एक आध बार और अभी बना देना तो बस अब हम पालक पनीर बनाएंगे बट तो अच्छा लगता है सुन के जब कोई तारीफ कर देता है ना तो बढ़िया लगा मुझे और उसके बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ तो ये मैंने जो बॉक्स बनाया था खड़े मसाले के लिए मसाला वाला बॉक्स इसे मैंने निकाल लिया है इसमें से जो जो खड़े मसाले हैं वो मैंने डाल दिए हैं हालांकि बहुत तेज गर्म नहीं हो पाई थी कड़ाई बट मैंने डाल दी बट चलता है तो यहाँ पर मैंने तेज डाला है बड़ी वाली इलायची दालचीनी ज़ीरे डाल दूंगी और सौफ डाल दूंगी थोड़ी सी इसके बाद मैंने डाल दी है खड़ी लाल मिर्च और बिल्कुल भी तीखी नहीं है वैसे ये फिर भी डर लगता है हमको तीखा ना लगने लगी तो इसके बाद जो हमने ग्रेवी तैयार की थी इसको मैंने डाल दिया है अच्छे से बहुत अच्छे से पोच के डाला है क्योंकि हम लोग का तो आपको पता ही है ऐसे पहले हाथ से पोछेंगे उसके बाद पानी डाल के पोछेंगे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए है ना आप लोग भी ऐसे ही करते आएंगे आई एम श्योर तो सब कुछ मैंने पूरी ग्रेवी इसमें डाल दी है और अच्छे से इसे ना चलाते रहना बहुत देर तक चलाना पड़ता है बहुत देर तक इसे आ, सीखना पड़ता है जब तक ये अपना पूरा ऑयल ना रिलीज ना कर दे पूरा ऑयल छोड़ ना दे तब तक हमें इसको पकाना है तभी अच्छे से कुक होता है एंड टेस्ट आता है तो बस अभी मैंने थोड़ी देर ऐसे ही कुक करूँगी उसके बाद फिर मसाले डाल के आ, अच्छे से पका लूँगी तो गाइस थोड़ी देर कुक करने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है निकलने लगा है और अभी थोड़ा और टाइम मैंने जब इसे पकाया तो ये देखो आप इसमें ऑयल छोड़ दिया है एंड अभी मैं मसाले डालूंगी इसके बाद थोड़ी देर और हमें इसे चलाते रहना है पकाना है सो तो यहाँ पे मैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ लाइक जीरा पाउडर हल्दी धनिया पाउडर और मिर्ची गरम मसाले ये सारे मसाले जो मैं डाल हम डालते हैं वही सारे मसाले मैं डाल रही हूँ तो बस इसके बाद हमें चलाना है और थोड़ा सा मसाले जलेना है इसके लिए थोड़ा सा आपको पानी डाल लेना है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मसाले को चला लिया है अच्छे से सेक लिया है और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे मलाई जब मसाले जो है अच्छे से सेक जाएंगे तो मैंने ये मलाई ली है इसमें से एक चम्मच मलाई मैंने भर के डाली आप चाहो तो और भी डाल सकते हो मैंने एक चम्मच डाली है और इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे थोड़ी सी थोड़ा सा जो है क्रीमी टेक्स्चर आएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा तो मलाई को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हम इसमें पनीर ऐड करेंगे तो मैंने पनीर को छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था आप ट्राइंगल में भी कट कर सकते हो होटल की तरह दिखाना चाहते हो तो या आप इसको थोड़ा सा ना थोड़े स्टेल में ऐसे फ्राई करके दोनों साइड पर उसके बाद भी डाल सकते हो मैंने ऐसे ही डाला है और क्योंकि ये सबको ऐसे ही पसंद है इसके बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा जो पनीर बचा लिया था तो उसे अच्छे से किस किस तरीके से डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ती मैंने ऐसे डाला है और थोड़ा सा फिर से किस दिया है और जो बचा हुआ था वो और को खिला दिया और को पनीर बहुत पसंद है तो ये देखो कितनी टेस्टी अमी अमी सब्जी दिख रही है अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ तो अभी सब्ज़ी बन गई है इसको हम बर्तन से निकाल के दूसरे बर्तन में डाल के खाली कर देंगे और बस सब्जी बन के तैयार है और हम फिर थोड़ा खाना खाएँगे इसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे ठंडियों की तैयारी तभी तो जैसे कि ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं खाना तो और हम भी इजीली अच्छे से निकाल के खा पाए इसके लिए मैंने काजू वगैरह को अच्छे से सुधार लिया बीच से तो पीस करके एक और काजू बादाम और पिस्ता ये सब कुछ एक बॉक्स डिब्बे में भर दिया है और देखो ये देखो शशांक रात में लेके आए हैं पान क्योंकि वहाँ पे कोटा में पान पे चर्चा हुई थी हमने वहाँ पान खाया था और उनका कहना था कि हम खाते नहीं है पान तो मैंने सोचा लेके आओ तो खाएंगे तो फिर वो लेके आए मुझे उतना पसंद नहीं है तो मैंने थोड़ा सा खाया था तो डांट रहे थे तो मैंने कहा धीरे धीरे करके आदत में आ जाएगा तो बस यहीं पर हम बात कर रहे हैं और मैं पान खा रही हूँ और ब्लॉग अच्छा लगाओ तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना मोटिवेशन मिलता है सो so, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय